हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रिफ्रेशिंग समर कूलर मिंट जूस। अगर आपको मिंट पुदीने का फ्लेवर पसंद है तो डेफिनेटली आपको ये जूस बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे रिफ्रेशिंग समर कूलर मिंट जूस के लिए मैंने लिया है पुदीना। ये है फ्रेश पुदीना, ये तोड़ने के बाद अराउंड 1 कप है। और उसके अलावा यह है हरा धनिया। हरा धनिया कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो, बट पुदीना कंपलसरी है। उसके अलावा एक नींबू है, गुड़ है, और ये है भुना जीरा पाउडर, काला नमक, हरी इलायची और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैं गुड़ को तोड़ के डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि गुड़ मेल्ट हो जाए। अगर आपके पास गुड़ पाउडर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और गुड़ की जगह आप चाहो तो शक्कर भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने इसे और हेल्दी बनाने के लिए गुड़ यूज़ किया है। तो अभी मिक्स करके मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अब मैंने मिक्सी का जार लिया, उसमें मैं पुदीने के पत्तों को तोड़ के डाल रही हूँ। पुदीने के काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और साथ ही ये इजीली अवेलेबल भी होता है, आप चाहो तो इसको घर में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया। हरा धनिया की हमें सिर्फ इस तरीके से सिर्फ पत्ते पत्ते तोड़ के डालने हैं, डंडल नहीं डालना है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू। नींबू डालने से जो जूस का कलर है एकदम ग्रीन रहेगा और अच्छा दिखेगा। पुदीने का जूस समर में नहीं, हम लोग किसी भी सीजन में ले सकते हैं, क्योंकि इससे डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, पेट की समस्या नहीं रहती। इनफैक्ट जिसको मुँह का स्मेल आने का प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ भुना जीरा पाउडर, अराउंड 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून काला नमक और आधा इंच अदरक का टुकड़ा डालकर मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। अब मैंने इसमें इलायची डालना भूल गई थी, तो अभी मैं इलायची डालकर इसका एकदम चिकना पेस्ट बना रही हूँ। चिकना पेस्ट बनाकर अभी मैं चेक कर रही हूँ गुड़। गुड़ काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके मैं इसे छान लूँगी, क्योंकि कभी कभी गुड़ में गंदगी रहती है तो इसलिए गुड़ को छानना ज़रूरी है। आप गुड़ की जगह शक्कर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने गुड़ यूज़ किया इसलिए मेरा जो पुदीना जूस का कलर उतना ग्रीन नहीं है। अगर आपको एकदम ग्रीन कलर चाहिए तो आप शक्कर का यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको हेल्दी बनाना है तो आप गुड़ का यूज़ करना। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा ग्राइंड किया हुआ पुदीने का पेस्ट डालकर, थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। जार में पुदीने का पेस्ट लगा था वो मिक्स करके मैं इसमें डाल रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जितना जूस बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड करना। अगर आपके पास ठंडा मटके का पानी है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे मैं फ्रिज का पानी यूज़ कर रही हूँ। अब आप एक बार मिक्स कर लेना, इसमें आपको जो भी कम लग रहा है नमक गुड़ तो आप उसको मिक्स कर लेना। मेरे को थोड़ा सा नमक कम लगा तो मैं थोड़ा सा और काला नमक डाली हूँ, डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स की हूँ। ये जूस को आप चाहो तो छान के भी सर्व कर सकते हो, पर मैं डायरेक्टली इसको ऐसे सर्व कर रही हूँ। और इसे आप सर्व करते समय 2-3 आइस क्यूब डाल के भी सर्व कर सकते हो, या फ्रिज में रख के 1-2 घंटे बाद जब ठंडा हो जाएगा तब भी सर्व कर सकते हो, दोनों तरीके से अच्छा लगेगा। अब मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग जग में। अब आप भी ये रिफ्रेशिंग समर कूलर मिंट जूस ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।